हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले डिप्लोमा इन नर्सिंग का स्कोप कैसे होने वाला है। अगर आप डिप्लोमा इन नर्सिंग करते हो तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है डिप्लोमा इन नर्सेज के लिए, तो उसमें जो है हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ पे आप नर्स बन के काम कर सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा डिमांड आपको होता है। उसके बाद जो होम हेल्थ केयर होती है, तो वहाँ पे भी जो आप जा सकते हो, जहाँ पे अलग अलग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च में भी जा सकते हो, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च में जा सकते हो, हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो, स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, अगर आपको जो है करना है तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। उसके बाद जो करियर ग्रोथ है, तो उसमें भी अच्छा खासा, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जैसे मैंने कहा, तो आप मास्टर कर सकते हो, पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं उसके बाद, आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो पैकेज होता है वो भी ज्यादा आपको मिल जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट में जो आप रोल्स कर सकते हो, जैसे कि नर्सिंग सुपरवाइजर या चीफ नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो आप। उसके बाद रिसर्च, जैसे कि मैंने कहा था, आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हो अगर आपको जाना है तो। उसके बाद जो सैलरी होती है, तो एंट्री लेवल पे जो सैलरी होती है लगभग 15,000 से लेके 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो ये लगभग 60,000 तक जाती है पर मंथ के लिए, तो वो भी अच्छा खासा है। और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको जो सैलरी भी मिलती है, मतलब अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो उसके हिसाब से आपको जो है सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, अगर आप डिप्लोमा इन नर्सेस करते हो तो।